बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? खैरियत से? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक क्रैश कोर्स, जिसके अंदर पूरी कोशिश की गई है कि उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि तमाम कोर्स और तमाम लर्निंग आउटकम्स और तमाम उसमें सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, ठीक है ना? अच्छा जी, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो यार, उसके बाद फिर शुरू कर दे। अंदाज़ा है मुझे, ऑब्वियसली आप लोग सुबह से 2 से 3 क्लासेस ले चुके हो जो फिजिकली आए हो, और रमज़ान भी है तो देर नहीं करेंगे। बस कोशिश यही रखना है यार कि इसका फ़ायदा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बी कॉम में बच्चों का फ्रीक्वेंटली रुक रहा होता है। हैबिचुअली ये एक हैबिट है कि बी कॉम वाला इसको रोक रहा होता है। तो जितने भी लोग हैं जो अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इस पेपर को, ज़रा और से देख लें और ये बात समझ लें कि इस पेपर को हल्का नहीं लेना, ठीक है ना? ये पेपर आसान नहीं है, सही है? आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दो यार, वो कुछ लोग आप में से मुझे जानते हैं पहले से, और जो नहीं जानते वो मुझे आज जान जाएंगे। तो भाई वेलकम नोट में नाम तो दिख ही रहा है आपको। इसके अलावा जो है मैं CA फाइनलिस्ट हूँ, और BCom स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का। और अब AFAB की जानिब से, AFAB की तरफ से एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ये, जिसको मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, जो कि बेसिकली एक फाउंडेशन है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि BCom के स्टूडेंट्स को ना सिर्फ बल्कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कॉमर्स और इसी के साथ साथ मजीद सर्टिफिकेशन जो कॉमर्स रिलेटेड हो, जैसा कि ACCA, CA, PEPFAR और इस तरीके से सीमा ICMA एंड सो ऑन, ठीक है ना? तो जितनी भी सर्टिफिकेशन हैं वो सारी हम लोग कवर कर रहे होते हैं AFAB, अकेडमी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है और ये हमारा लोगो है, ठीक है? इसका आपको फेसबुक पे पेज भी मिल जाएगा, इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, आपकी वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, ये आ गई वेबसाइट भी आ गई। और इसी का पेज भी आपको नजर आ जाएगा, सही है ना? अच्छा जी, तो जनाब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर क्या है आखिर वाला? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है सर? BCom पार्ट 2 के अंदर ये एक सब्जेक्ट है जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए है ये क्योंकि सीधा सीधा देखो, या तो अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है ठीक है, उसकी आदत रही, उसकी हैबिट रही है कि ये वो क्वेश्चंस को जो है स्ट्रेट उठा के पूछ लेता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब तक कि वो पूछ रहा है अच्छी बात है। अब देखो आप भी जानते हो ये बात कि अब से BCom 2 साल का नहीं रहा, अब आगे जो आने वाले सालों में BCom 4 साल का हो रहा है, तो वो इसको अपना अपना एग्जामिनेशन का जो लेवल, अपना टेस्टिंग लेवल है, वो इसको इतना नहीं रखेगा बल्कि इससे ज़्यादा लेके जाएगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेना कि अब जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, हमें अपने आप को अकॉर्डिंगली अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आ जाओ सबसे पहले कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, हमें ये तो पता चले कि सबसे पहले सिलेबस ज़रूरी होता है। देखना कि सिलेबस देखें, तो हम आगे सिलेबस पे, सर ये है मेरा सिलेबस, मेरे इसमें सर टोटल 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है? टोटल 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 3 की मैंने समरी बनाई है आज, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, और बाकी की फिर ज़ाहिर है आज टारगेट मेरा ये है कि आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँ। तो एक चैप्टर है ये आपका पहला मैनेजमेंट का, ठीक है ना? जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है, आखिर किस चिड़िया का नाम है भाई। उसके बाद पता चलेगा कि जो जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की वो पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट का बेसिकली रोल क्या, एसेंशियल्स क्या है मैनेजमेंट के, जिसमें हमें पता चलेगा कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि मैनेजरशिप का एसेंस है, मान लिया
मगर कैसे, ठीक है, किस किस तरीके से मैनेजरशिप का ये एक असेंशियल है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट की क्या क्या कैटेगरीज हैं, फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के, लेवल्स क्या है मैनेजमेंट के, मैनेजर्स बजाते खुद क्या होते हैं, क्या एक बंदे को मैनेजर कहूँ या किसी ग्रुप को मैनेजर कहूँ, क्या कहूँ आपको, फंक्शंस ऑफ मैनेजर क्या होंगे, मैनेजमेंट रोल क्या होंगे, फिर दो तीन थ्योरिस्ट होंगे जिनके हम थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें मेंसबर्ग है, जिसके 10 मैनेजरियल रोल्स ऑफ मेंसबर्ग है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड मैनेजर है, फिर दूसरा थ्योरिस्ट हेनरी फ्रॉल, उसके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो देखेंगे, फिर सर इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, क्या बगैर मैनेजमेंट के कोई कंपनी नहीं चल सकती बेटा, कंपनी तो क्या आपकी जिंदगी भी नहीं चल सकती बगैर मैनेजमेंट, ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात हो, आप मैनेज के बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तो आप भटकते रहोगे, ठीक है ना, यू हैव टू मैनेज योर लाइफ, नॉट ओनली द लाइफ बट इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, आपके हर जिंदगी हर एरिया में आपको काम आएगा मैनेजमेंट। सर ऑब्जेक्ट देखेंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जरूरी है, फिर हम देख लेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो मोटी मोटी चीजें वो पढ़ाऊंगा, बाकी ऑब्वियसली जो चीजें हैं ना पॉइंट वाइज है आपको याद करना होगा, उसकी कोई खास चीज नहीं है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ जाएगा प्लानिंग का, प्लानिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होंगी जिसमें पता चलेगा कि प्लानिंग होती क्या है, नेचर क्या है प्लानिंग की, उसके एसेंशियल्स क्या है, प्लानिंग के फैक्टर्स क्या है, किस किस तरीके से मैं प्लानिंग को अपना, मेरी प्लानिंग जो है वो इम्पैक्ट होगी, इफेक्ट होगी प्लानिंग मेरी, किन किन फैक्टर्स से, ये वो फैक्टर्स होंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या स्टेप्स हैं प्लानिंग फंक्शन के, हम किस तरीके से प्लानिंग करने जा रहा हूँ, तो कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मुझे गुजरना पड़ेगा प्लान करते हुए वाइल प्लानिंग। फिर उसके बाद देखूंगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में फर्क क्या है, ठीक है, मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं एक चीज कंट्रोल कर रहा हूँ, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पॉलिसी प्रोसीजर्स रूल्स ये सब प्लानिंग में कितना काम आते हैं और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में क्या फर्क है। फिर मैं देखूंगा कि मेरे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के दो बहुत जबरदस्त टेक्निक्स, उसको मैं यहाँ से आपको नेट से भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो कौन कौन से चार्ट्स बन रहे होते हैं, कौन कौन से परफॉर्मेंस एवेल्युएटेड चार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से मैं अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहा होता हूँ। और सबसे आखिर में पढ़ेंगे कि अगर मेरी प्लानिंग फेल हो गई तो उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती है। तो ये तीन चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। उसके बाद चौथा चैप्टर है कंट्रोलिंग, फिर है स्टाफिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, अथॉरिटी, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग, ग्रुप कम्युनिकेशन और एंड में मिसलिनियस। ये 15 टॉपिक्स हैं जिसको मेरा टारगेट ये है कि रोज मैं तीन तीन करवाऊँ। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत बड़ा है जैसे कि मोटिवेशन और लीडरशिप, तो मैं इनको दो दिन में करवाऊंगा, ठीक है, टारगेट मेरा यही होगा कि मैं 6 से 7 दिन में इसको कंप्लीट कर लूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और भी है कि देखो बेशक ये क्रैश कोर्स है मगर इसको एज अ क्रैश कोर्स मत लेना बेटा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स तो है बट अपने आप में एक पूरी रेगुलर प्रॉपर कवरेज है सिलेबस की। इसमें ये मत सोचना कि कोई चीज मैंने ओमिट कर दी, कोई स्किप कर दी, ये पूरा सिलेबस है, ए टू जी एक एक चीज है इसमें, इसमें कोई चीज मिस नहीं है, ठीक है बेटा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये बेसिकली जब आपको सब पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद आपके पास ये रिवीजन नोट्स टाइप के होंगे कि अगर आपको डे एंड पे आपको एक दिन पहले पेपर से 1 से 2 दिन पहले अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप मेरे समरी नोट्स देख सकते हो, ठीक है, आप ये समरी नोट्स देख सकते हो जो मैंने लेक्चर दिया, अगर आपको याद है वो पॉइंट्स उर्दू में भी याद है, आपको ड्राफ्ट करना आता है इंग्लिश में, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ उसको इन पॉइंट्स को सिर्फ जेहन में रखो और वहां जाकर पेपर कर दो, बहुत इजीली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप, ऐसा बच्चे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हार्ट में दे दूंगा बेटे, हार्ट में तुम्हें, हार्ट में मैं पत्थर में लिख के दे दूंगा और वो तख्ती में अपने हाथ से लिख के दूंगा, पेंसिल ही ना लो यार ठंडा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करें भाई, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा ये मैं बाकी के इसलिए जो है वो नहीं रखे, चैप्टर 4 से ऑनवर्ड्स के जो पॉइंट्स है वो सारे नहीं रखे, मेरे पास पूरी बुक बनी हुई है इसकी समरी नोट जहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके लेकर आया हूँ ये सब, ठीक है, ये सब मैं यहाँ से मैनेजमेंट से लेके चैप्टर 3 के एंड तक वाई प्लान फेल्स ये सारा कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ, मेरे समरी नोट्स पड़े हुए हैं
यहाँ पर मैं सिर्फ इतना इसलिए लिख कर रहा हूँ ताकि मैं टारगेट मेरा यही रहे कि मैंने यहाँ तक पढ़ा रहा है और आज मैं इसको कोशिश करके कंप्लीट कर लूँ अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। अच्छा, क्रैश कोर्स की बात मैं कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लो कि देखो ये एक क्रैश कोर्स तो है बट एक रेगुलर एक कंप्लीट कवरेज हो रही है कोर्स की, इसलिए जो सामने वाला बच्चा यहाँ बैठे वो आप लोग फिजिकली वो प्लस जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो, ये लेक्चर्स एक अनाउंसमेंट है कि ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे बाद में, आप चाहो तो उसको लेके जा सकते हो घर पे सुकून से बैठ के देखो। इसलिए मेरा मकसद ये है कि इनको 6 से 7 दिन में पूरी कवरेज इसलिए करवा दी जाए बैठ के, ताकि फिर आपको जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले तो आपको ये ना करना पड़े कि यार मुझे एक साथ बैठ के, जिस तरह क्लास एनवायरमेंट में क्या है, क्लास एनवायरमेंट में आपको एक साथ बैठ के सारा एक साथ देना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं कि सर 1 सेकंड रुको जरा अभी मैं घर से आ रहा हूँ फिर पढ़ाइएगा। फिजिकल क्लास में तो एक साथ रिदम में जा रहा हूँ सर, रिकॉर्डेड लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यही है कि मैं अपनी मर्जी से कन्वीनियंस देख कर अपनी, कि मुझे जब कन्वीनियंट होगा, जब मेरे पास टाइम होगा थोड़ा थोड़ा करके देख लूंगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बना रहा हूँ ना, मुझे तो कोई इसमें डिस्ट्रेक्शन नहीं है, तो एक साथ सब बनाए जा रहा हूँ, इसलिए मैं बना इसलिए रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे बैठ के बना तो दूँ, बाद में आप आराम से अपनी कन्वीनियंस ही देख कर इसको देख सको, उसको उसको देख के समझ सको और उसको याद कर सको और इससे फायदा हासिल हो सके आप लोग। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर इसके सारे मौजूद होंगे, पूरी समरी नोट्स भी दी जाएगी आपको, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब दिया जाएगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं भाई मैनेजमेंट से। क्या है मैनेजमेंट? ठीक है ना, द वर्ड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा निजाम जिसमें चीजों को मैनेज किया जाए। अब सर मैनेज का क्या मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ अगर कि मैनेज किया जाए, तो ये जो लफ्ज मैनेज है, लफ्ज मैनेज इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में आप ये बता रहे होते हो कि बेसिकली जो बंदा है जो मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बंदा क्या करता है। ठीक है, बेसिकली सवाल ये मैनेजमेंट क्या है, या फिर मैं बोलूँ कि भाई जो बंदा है आपने रखा वो क्या करता है, ठीक ही बात है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट में ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये मैनेजमेंट के कोर डेफिनेशन में आते हैं, कि पता अगर किसी को मुझे बताना हो मैनेजमेंट क्या है, मैं बता दूंगा ये भाई क्या क्या है। सबसे पहला है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आपको बताता है कि आपके ऑनगोइंग फंक्शंस क्या है और आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है जिसके अंदर मैनेजर्स इंगेज है। सही, मैनेजर बेसिकली मैनेजर कौन से ऑनगोइंग फंक्शंस और कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहा है। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन आपका डिस्टिंग्विश करता है मैनेजरियल पोजीशन को फ्रॉम नॉन मैनेजरियल में। क्या मतलब? सर अगर एक ऐसा बंदा जो मैनेजर नहीं है, सही है, जो एम्प्लॉई है जो कि मैनेजर के अंडर आता है, क्लर्क है, क्लरिकल काम करता है, सर वो और मैनेजर पे क्या फर्क हुआ? क्यों? क्योंकि ऑनगोइंग फंक्शंस और प्राइमरी एक्टिविटीज में तो वो बंदा भी इंगेज होगा। तो बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन भी होगी साथ में, सिर्फ प्रोसेस नहीं होगा यानी कि ऑनगोइंग फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होगा बल्कि कोऑर्डिनेशन भी होगी, यानी कि वो क्या कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। दिस इज द पॉइंट, दैट्स व्हाट मेक्स मैनेजर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये वो चीज है जो दूसरों से अलग करती है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस की बात करूं अगर तो ऑनगोइंग फंक्शंस में तो हर कोई एंगेज रहता है। ठीक है, बात समझ भाई? चलो जी, अब ये पता चल गया कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजर, सही है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स, यानी कि आपके पास आप सबसे बेस्ट आउटपुट, इन शॉर्ट सबसे बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, अपनी कम से कम रिसोर्सेज यूज करते हुए सबसे ज्यादा बेहतर आउटपुट चाहिए मुझे। सही है, यानी कि मेरे पास मैं बोलूं कि अगर बेस्ट तरीके से कोई 2 लोगों से मैं काम निकलवा सकता हूं तो उसके लिए मैं 4 लोग यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि मैं एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, मैं एक एफिशिएंट मैनेजर नहीं हूं। एफिशिएंट मैनेजर का मतलब ये होता है कि वो काम जो बाहर के लोग 4 लोगों से करवा रहे हैं मैं 2 लोगों से करवा के दूंगा। ठीक है, तो गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट, और दूसरी लफ्जों में अगर बोला जाए तो क्या, डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, सही है, बात समझ में आई है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें नजर आया इफेक्टिवनेस।
आखिरी एलिमेंट जो मैनेजमेंट का क्या है भाई, इफेक्टिवनेस, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अटेन्ड, भाई एक्टिविटीज को कंप्लीट करना, सही है। एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, और इफेक्टिवनेस को मैं ऐसे समझ लूं अगर डूइंग द राइट थिंग्स, ठीक है ना, क्योंकि जब तक मैं राइट थिंग्स, जब तक मैं सही तरीके से काम नहीं करूंगा मैं इफेक्टिवली काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी से इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज इफेक्टिवनेस कंप्लीटिंग एक्टिविटीज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अटेन्ड, ठीक है। Completing activities to achieve goals, ठीक हो गया। सर समझ में आ रही है बात है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, लोग बोलेंगे कि यार ये तो रट्टा है सर, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन देखो अगर रट्टे में भी, अब मैं क्या देखता हूँ बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग्स है ना ये रट के चले जाते हैं बस हेडिंग। यार देखो माशाल्लाह से आप बीकॉम लेवल पर हो, आपको ड्राफ्ट करना अगर इंग्लिश में एक चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो उससे भी अच्छी बात है, कोई मसले की बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको, मेरे पास आ जाना, ठीक है, मेरे पास बाद में आ जाना, जिस तरीके से भी हेल्प चाहिए, जो हेल्प चाहिए, मैंने अपना नंबर लिखवा दिया। लेकिन बेटा अगर किसी ने ये हरकत की रात के 3 बजे उठ के बोला सर क्या हाल है खैरियत से आप, मैं उसके पीछे जो है ना वो भेज दूंगा आर्मी, सही है। हाँ यार मतलब होता है ऐसा, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को अगर किसी कुछ बच्चे मांग रहे होते हैं मैं दे देता हूँ कर्टेसी में, कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं शेयर कर देता हूँ अपना नंबर, लेकिन यार उसके बाद क्या होता है फिर मुझसे पूछो यार मैं बताता हूँ, बहुत बुरा होता है उसका, ठीक है। तो देखो बात सिंपल सी होती है कि ना एक हर चीज का एक क्या कहते हैं टाइम तो नहीं कह सकते, हर चीज की एक मियाद होती है, टेन्योर होता है, टेन्योर, ठीक है। जिस टेन्योर में आपको सही लगता है, जरूरी नहीं है कि वो सही टेन्योर हो सकता है कि आगे वाला भी थोड़ा सा बिजी हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ बेटा, मैंने बच्चों को 3-3 बजे भी उठ के जवाब दिया है, मैंने बच्चों को 3-3 बजे घर जाकर भी पढ़ाया है और बोलो है, ठीक है, किसी भी कुछ किसी भी तरीके से कोई चीज कॉम्प्रोमाइज ना हो मेरी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन फिर आगे से भी इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। तो भाई डेफिनेशंस पे आ गए, डिफरेंट डेफिनेशन है हेनरी फ्योल की, हेनरी फ्योल की क्या डेफिनेशन है, अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि देखो आप फिजिकल वालों के पास सबके पास किताबें हैं, जो ऑनलाइन ले रहे हैं बेटा अपने सामने किताब रख के बैठो, ठीक है, अपने आगे बुक खोल के बैठना, ऐसा ना हो कि पूरे पूरे मुझ पर डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ चीजें मैं बुक से देख के पढ़ा रहा हूँ तो आप भी अपने पास देख लेना। भाई हेनरी फ्योल ये कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान and to organize, to command and control. भाई वो कहता है forecast, plan, organize, command and control. ये 5 चीजें हैं जो के management की definition में आती है। जबकि Luther Gillick वो ये कहता है कि paused core. उसने keyword दिया paused core. PostCorp, ठीक है ना, सबको पता होगा ये तो बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है। Henry Fowle किया है, Luther Gillick ने क्या बोला कि भाई management is paused core. Paused core क्या है? P stands for Planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D directing, C coordination, R reporting and D budgeting. ठीक है, basically practically बात करोगे तो ये postcard वाली definition Henry Fowle की definition से ज्यादा relevant है और आजकल जो practical life है, practical world है उससे ज्यादा relevant है। But the most widely accepted are functions of management given by Kunz and Odlin. ये क्या कह रहे हैं भाई Kunz and Odlin? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, Kunz and Odlin ने ये बोला, 3 definitions आ गई, चौथी आ गई R Terry. According to R Terry, R Terry क्या बोल रहा है भाई? कह रहा है कि management is a unique process that consists of an action of planning, organizing, controlling, performed to determine and achieve the target that have been determined through utilization of human resources and resources. देखो, इसकी definition में ऊपर वाले की definition में एक बहुत बड़ा जो difference है वो क्या है? वो कह रहा है कि आप सब ठीक है, लोग प्लानिंग की, कोऑर्डिनेशन की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग, ये तमाम बातें कर रहे हैं, बहुत ये 4 से 5 पॉइंट ऐसे जो ऊपर तीनों डेफिनेशन में कॉमन है, मगर आर टेरी ने एक नया पॉइंट दिया, उसने बोला कि ये सब कुछ ठीक है, आप सही बोलो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग, स्टाफ वगैरह, ये सब ठीक है,
मगर ये सब जो आप करोगे ना, ये करोगे बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर रिसोर्सेज। इसने एक ऐसा पॉइंट पॉइंट उठाया जो ऊपर वाले थ्योरी से नहीं उठाया था। उसने बोला भाई आप जिससे काम करवाओगे उसको भी तो देखो, वो कौन है, अल्लाह के बंदे हैं यार, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज भी साथ में देखो कि आपको उनको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये आर टेरी भाई थे। जॉर्ज आर टेरी सेज मैनेजमेंट इज हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट हैव बीन डिटरमाइंड इन एडवांस विद द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। वो कह रहा है कि भाई आप ये जरूरी होता है कि देखो कि एक्टिविटीज जो करवा रहे हो करवा किससे रहे हो, एक्टिविटीज ऑफ अदर्स है भाई, ह्यूमन है, इंसान है वो भी। इसलिए आर टेरी एक ऐसा पॉइंट लेकर आया जो कि ह्यूमन ओरिएंटेड था। ठीक है, अभी आप आगे वर्ड देखो कि ह्यूमन ओरिएंटेड कितना यूज होता है। ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड, ह्यूमन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि मैं अगर कोई एक, मैं एक ऐसा मैनेजर हूँ जो ह्यूमन ओरिएंटेड, मैं देखता हूँ कि मेरी वर्कफोर्स जो है ना वो खुश रहनी चाहिए, मैं देखता हूँ कि मेरी वर्कफोर्स जो है ना वो स्किल उसके पास होनी चाहिए, वो डेवलप्ड होनी चाहिए, वो ट्रेंड होनी चाहिए। वेयर एज अगर मैं बोलूँ कि यार मैं एक ऐसा मैनेजर जो टास्क ओरिएंटेड हूँ, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई भाड़ में गई मेरी वर्कफोर्स, भाड़ में गए मेरे लोग, भाड़ में गए मेरी ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसा भी हो बेटा, तुम्हारे घर में बम फटा हो, तुम्हारे घर में आग लगी हुई, मुझे तो ये काम चाहिए। तो उसे कहते हैं टास्क ओरिएंटेड, कि मैं एक ऐसा मैनेजर हूँ जो टास्क ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये ऊपर वाले सारे टास्क ओरिएंटेड बात कर रहे थे, लेकिन ये आया उसने बोला ह्यूमन ओरिएंटेड भाई। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी ने, अच्छा मैरी पार्कर फॉलेट कहता है कि इट इज एन आर्ट इन कंप्लीटिंग द वर्क थ्रू अदर्स। उसने भी ये बोला कि भाई थ्रू, ये एक ऐसा आर्ट है जो दूसरों से काम निकलवाने वाला। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा आर्ट है जो कि दूसरों से काम निकलवाने का हो। ठीक है, फिर लॉरेंस बोलता है कि इट इज द आर्ट ऑफ अचीविंग गोल थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। वो कह रहा है वर्क थ्रू अदर्स, इसने एक नई बात बोली, इसने बोला एफर्ट्स ऑफ अदर। वो बोल रहे हैं कि अगर आप यही देखोगे कि अदर्स काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, गधे मेरे फ्रैक्चर हो जाएंगे, वो सिर्फ एक काम करता रहेगा। लेकिन अगर आपको उसके अंदर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो वर्क नहीं कर रहे बल्कि वो एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी डीप है, आपको जब आगे आगे जाओगे तब समझ में आएगा कि वर्क में और एफर्ट में क्या फर्क है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अच्छा जी, अब जो ऊपर तमाम लोग बात कर रहे थे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग या डायरेक्टिंग, किसी ने बोला नहीं प्लानिंग कोऑर्डिनेशन प्लानिंग और स्टाफिंग, किसी ने बोला नहीं कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन और स्टाफिंग, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ, सबकी बात में एक चीज कॉमन थी, क्या, दिस वर्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सबकी बात में कॉमन था, तो आओ देख लो कि कोऑर्डिनेशन है क्या भाई। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, किसकी, एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स की, सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ द एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, आप ग्रुप मेंबर्स के एफर्ट्स को एक जगह इंटीग्रेट करो, उसको सिंक्रोनाइज करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक कोऑर्डिनेशन फैक्टर आ जाएगा, और कोऑर्डिनेशन फैक्टर किसके काम आएगा, टू परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट एम है वो क्या है, एम की बात करूं अगर, सबसे इम्पोर्टेंट एम तो ये है ना कि टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ अ कंपनी, कि जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का जो एंटिटी का जो बिजनेस का जो गोल है, मुझे वो अचीव करना है। ठीक है, बाकी सारी बातें अपनी जगह, एम्प्लॉई अच्छा हो, ह्यूमन ओरिएंटेड हो, टास्क ओरिएंटेड हो, ऐसा हो वैसा हो, क्वालिटी हो, मगर अल्टीमेटली क्या पॉइंट है, अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि मुझे वो चीज जो कंपनी का कॉमन गोल है बस मुझे वो अचीव हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आप चीज पढ़ क्यों रहे हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूरी इसी चीज से बेस करती है कि भाई मैनेजमेंट में बता दूं उस तरीके से, मैनेजमेंट को मैं एक एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में डिफाइन कर दूं, क्यों, उसका भी मकसद है ताकि कॉमन गोल्स कंपनी के या बिजनेस के अच्छे तरीके से अचीव हो सके। ठीक है, अच्छा जी, मूने और रिले बोलता है कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। वही वाली बात बोलता है कि भाई एक ऐसा ग्रुप ऑफ एफर्ट्स को अरेंज करना है ऑर्डरली, क्यों, टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। फिर चार्ल्स बोलता है कि भाई कोऑर्डिनेशन द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स इनटू एन ऑर्डरली होल टू अचीव द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सारे कोऑर्डिनेशन की
डेफिनेशन में आ गए, समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट बात करूँ तो क्या है कि जो मेरी वर्कफोर्स है, जो मेरे, देखो ये बात तो सिंपल समझ में आती है ना, सिनेरियो ये ध्यान में रखना कि मैं एक मैनेजर हूँ और मेरे पास एक टीम है, वो मेरा वर्कफोर्स है। टीम है 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी लोगों की है, मेरे पास एक फोर्स है, एक वर्कफोर्स है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन अगर मैं इन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो वो ये होगी कि कोऑर्डिनेशन मेरी जो वर्कफोर्स है, मेरी जो टीम है, उन तमाम की एफर्ट्स को अरेंज करूं, क्यों, ताकि मैं कंपनी के कॉमन गोल्स को अचीव कर सकूं। ये आर्ट मैनेजमेंट है और जो ये कर रहा है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजरशिप। भाई मैनेजर के एसेंशियल्स में से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है, कोऑर्डिनेशन। देखो मैंने मैनेजमेंट के एसेंशियल्स को ऊपर पढ़ के आ गए ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल है वो कोऑर्डिनेशन है। और उसी के बारे में उसने बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजरशिप, यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन निकाल दो मैनेजर में से, तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, कुछ सोच रहा है मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे पास 5 लोग हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है यार कर लो, खुद कर लो, जो करना खुद करो, मुझे मत बताना जो कर लो, तो इट मीन्स क्या मैनेज नहीं कर पा रहे ना। मैनेजर का मतलब ही क्या, जो मैनेज करे, मैनेज। अब मैं उनकी एफर्ट्स को मैनेज नहीं कर रहा, उनकी एफर्ट्स को ऑर्डरली अरेंज नहीं कर रहा, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा, तो यार फायदा क्या हो, जब ये एलिमेंट ही निकल जाएगा तो मैनेजरशिप का फायदा नहीं होगा। तो और देख लेते भाई, तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है मैनेजरशिप का, कैसे कैसे, वो कह रहा है कि उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी बता दिए। उसने बोला कि थ्रू प्लानिंग, वो कह रहा है कि प्लानिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन, अच्छा वो कहता है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बाय इंटीग्रेटिंग द वेरियस प्लान्स थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एग्जांपल कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस बजट एंड परचेस बजट। वो कह रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन किस किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई सही है, मैंने ये जो लव्स है ना, एफर्ट्स को अरेंज करना, ये कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो वो बोलता है कि थ्रू प्लानिंग, थ्रू प्लानिंग आप अरेंज कर सकते हैं। मुझे 2 मिनट दे दो। ठीक है मेरे बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकती है, प्लानिंग से भी हो सकती है कि आप एक जगह बैठ के म्यूचुअल डिस्कशन कर लो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है, इस तरीके से भी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गए हम, और कैसे हो सकती है भाई कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, क्या मतलब भाई, जो मुनी है वो रील है मुनी, जो भी है, दो लोग जो है, उन्होंने बोला कि अच्छा एक तो यार हमारे माशाल्लाह से थोड़े से ज्यादा फारिक थे, मगर मैं कहता हूँ ठीक है यार उतने फारिक तो नहीं थे कम से कम जितने हमारे शायद लोग फारिक थे। मैं बहुत मजे का एक वाक्य सुनाऊ, मैं अच्छा मैं साथ में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये भूल गया कि मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि टीचिंग के साथ साथ ना सिर्फ मैं टीचिंग का एक एरिया है जिस पर मैं मतलब पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मेरी मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं काफ़ी जगहों पर, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और काफ़ी जगहों पर मुख्तलिफ हवाले से ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता हूँ। तो एक दफ़ा टाइम मैनेजमेंट पर एक जगह मैं अपनी वर्कशॉप दे रहा था, ट्रेनिंग थी बेसिकली, तो हुआ ये कि भाई मैं वक्त की अहमियत पर शेर ढूंढने बैठा, ठीक है ना, वक्त की अहमियत पर मैं गूगल से शेर ढूंढने बैठा। आप लोग यकीन मानो बेटा कि मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, मगर वक्त की अहमियत पर शेर नहीं मिला। तो गूगल के हिसाब से वक्त की अहमियत क्या थी मालूम है, इस तरह के शेर थे कि जैसा कि मुझे पता नहीं याद आया ना, हाँ गुजरना तो उनकी गली से था मगर, गुजरना तो उनकी गली से था लेकिन, गुजरना तो उनकी गली से था लेकिन गली से तो ना गुजर सके वक्त गुजर गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो गली से गुजरना चाह रहा है मगर गली से नहीं गुजर सका, वक्त गुजर गया, अब यार मतलब
अच्छा वो पूरी पूरा मतलब एक मिसरा था, मैं उसमें से आपको एक शेर बता रहा हूँ। मिसरा वो वही वाला था, मतलब महबूब, आपको पता है हमारे माशाल्लाह से जो शायर थे उनके पास और कोई टाइम था नहीं, वक्त कोई और चीज़ थी नहीं पढ़ने के, तो बेचारे लग रहे हैं बहुत फारिग थे। अब इस शेर से मुझे ना एक चीज़ समझ में आई, या तो गली बहुत लंबी थी कि गुजर ही ना सके, ठीक है, या शायर शायर भैया की जो है वो डर गए थे, ठीक है, अभी वो लफ्ज यूज नहीं कर सकता हूँ, शायर जो है वो डर गया था, वो गुजर ही नहीं सका, उसने उसने बहाना बना दिया कि गली से तो ना गुजर सके, वक्त गुजर गया। तो मतलब यार ये हालात है माशाल्लाह से हमारे दुनिया के वक्त, यार मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जितना अहमियत दुनिया में वक्त रखता है ना, बेसिकली दुनिया वक्त और दुनिया सबसे पहले ये वजूद में, जब दुनिया नहीं थी तब वक्त था, उसके बाद आया ना यार दुनिया, तो बाद में आई है, 7 दिन में दुनिया बनाने में 7 दिन लगे ना, ऐसा ही है, तो 7 दिन में यानी कि वक्त पहले से एग्जिस्ट करता था जब दुनिया भी नहीं थी। तो वक्त इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया में दुनिया वालों ने वक्त की अहमियत ना समझी, ठीक है। तो वक्त वक्त जो है मैं कहता हूँ कि एक ऐसी दीवार है कि जो आप जिसको अगर मुक्का मारोगे ना तो तकलीफ आपको ही होगी। और बड़े मजे की एक बात है कि अगर आप वक्त को संभाल लोगे तो फैसले आपके हक में होंगे, और अगर वक्त ने आपको संभाल लिया और आप वक्त को ना संभाल सके तो फिर फैसले वक्त के होंगे, ठीक है ना। मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो हुई बदनसीब, मैं तो हुई मनहूस आदमी, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। तो बेटा तुम अगर वक्त को संभाल लेते तो फैसला तुम्हारे हक में होता, अभी तुम मनहूस आदमी नहीं हो, ये तुम्हारी गलती ये है कि तुमने वक्त को नहीं संभाला, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई वक्त बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग भी वक्त को अपने कंट्रोल में रखो, इससे पहले के वक्त आपको कंट्रोल कर ले, सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा ये कहता है कि व्हेन अ मैनेजर ग्रुप्स एंड असाइंस वेरियस एक्टिविटीज टू सबऑर्डिनेट एंड व्हेन ही क्रिएट्स डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन अपर मोस्ट इन हिज माइंड। वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग कर रहा होता है, वो ऑर्गेनाइज करता है चीजों को, वो अपने ग्रुप को जो एक्टिविटीज असाइन कर रहा होता है बेसिकली, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, वो मेरी ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज होती है, ठीक है। इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ कोऑर्डिनेशन को, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ, मैं बांट रहा होता हूँ अपने ग्रुप को डिफरेंट टास्क और डिफरेंट असाइनमेंट्स, सही है। उसके बाद बोलता है कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग। मैनेजर शुड बियर इन द माइंड दैट द राइट टाइम ऑफ पर्सनल इज इन वेरियस पोजीशंस विद राइट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स आर टेकन व्हिच विल इंश्योर राइट मैन ऑन द राइट जॉब। बड़ी सिंपल सी बात है कि चूज द राइट मैन, ठीक है ना, टू डू द राइट जॉब। अब बड़ी सिंपल इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल आगे बढ़ जाऊंगा कि मैंने एक प्यून को बोल दिया कि आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो बेटा बैठ के, तो यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी ना, प्यून बोलेगा ये है कि चुड़िया का नाम। और जो मैंने अकाउंटेंट रखा है उसको मैंने बोला कि बेटा जरा चाय बना के ले, तो कह रहा है कि भाई आप कोऑर्डिनेशन सही रखो, स्टाफिंग के थ्रू भी मैनेजर कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग, ऑब्वियसली मैनेजर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है, सही है, एंड हेंस वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है थ्रू डायरेक्टिंग। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। भाई मैनेजर इंश्योर्स दैट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई क्या करता है वो, हमेशा से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एक खाका तैयार करके रखता है ताकि उसको वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर सके, सही है ना। इस तरीके से वो अपने
अपने जो गोल है, जो कंपनी के कॉमन गोल्स हैं, उसको कंट्रोल कर रहा होता है. सो कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग. समझ में आया? अब देखो एक जादू दिखाता हूँ. ऊपर वाले थ्योरिस्ट ने क्या क्या बोला था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तमाम चीजें किस कब मुमकिन हो सकती है, जब आप इन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेशन के थ्रू लेके जाओ. ये देखो, कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. समझ में आया? लिंक हुई चीज, ठीक है. अच्छा जी, अब अगला आ गया कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट. भाई मैनेजमेंट क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है, वो किस किस तरीके से कैटेगराइज हो सकता है और किस किस तरीके से वो मैनेजमेंट का एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है. अच्छा जी, इसमें एक डेफिनेशन दे दी जॉर्ज टेरी ने, क्या बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकॉम्प्लिश स्टेटेड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्सेज. ठीक है, ये पुरानी डेफिनेशन ही है. यहाँ पर सर लिखने का मतलब, यहाँ पर ही बता रहा है कि अब मैनेजमेंट की कैटेगराइज अब मैं कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैनेजर करता क्या क्या था. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वो इसलिए लिखा कि भाई मैं ये देखूं कि मैनेजर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस के लिए नहीं आता सिर्फ, बल्कि वो तमाम चीजें इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन बींग्स को और अदर रिसोर्सेज को कंपनी के कॉमन गोल्स अचीव कर रहा होता है. ठीक है, तो कैटेगरीज आ गई मैनेजमेंट की, जिसके अंदर सबसे पहला है कि मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. एक सोशल प्रोसेस होता है, सही है, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है भाई कि एक ह्यूमन फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. देयरफॉर मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डेवलपिंग रिलेशनशिप्स अमंग पीपल. ठीक है ना, तो इस तरीके से मैनेजमेंट का एक सोशल रोल भी होता है ऑर्गेनाइजिंग में, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप्स डेवलप करे. अपने पास यार ये चीजें नोट करते रहना. ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. दिस मींस ही अंडरटेक्स द जॉब ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है ना, वो इंटीग्रेट कर रहा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव कर सके. अच्छा जी सर, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंसर्न विद द कांस्टेंटली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग एंड एडुकेटिव स्टेप्स. एक ऑनगोइंग प्रोसेस है सर, ये कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है. क्यों, कैसे सर? क्योंकि इसको जो है वो देखा जाता है इस तरीके से कि वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और उसको करते हुए वो एडिक्वेट स्टेप्स लेगा ताकि ये चीज़ों को रिजॉल्व कर सके. और एंड हेंस हमेशा एंड में एक बात रहेगी कि अचीविंग कॉमन गोल. ठीक है, ठीक है बेटा. तो अभी हमने प्रोसेस में कौन कौन से पढ़ लिए, सोशल प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस, सही है. उसके बाद हम आ गए कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी. सबसे पहले कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, उसके बाद आया मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी भाई? यानी कि मैनेजमेंट वही करता है जो उसकी एक्टिविटीज डिपेंड करती है उसके करने पे. यानी कि अगर एक मैनेजर है और वो एक्टिविटीज, लेट सपोज उसकी टीम है और वो उनसे कोई एक्टिविटीज करवाना चाहता है, उनको एक्टिविटीज को असाइन करना चाहता है, तो किस किस तरीके से करता है. सो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी. ठीक है ना, अब उसमें देख लेते क्या है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी. भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इन द फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली हैज टू रिसीव एंड गिव इंफॉर्मेशन ओरली और इन रिटन. ठीक है ना, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली देनी पड़ती है
क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन नहीं देगा वो इंस्ट्रक्ट कैसे करेगा, वो डायरेक्ट कैसे करेगा? सही है, तो एक कम्युनिकेशन तो एक कम्युनिकेशन लिंक मेंटेन करना पड़ता है उसको। उसके अलावा और कैसे हो सकता है भाई? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, डिसीजनल एक्टिविटी। सो सिंपल यार, सो ऑब्वियस के सबसे इम्पोर्टेंट जो मैनेजमेंट का रोल होता है वो डिसीजन मेकिंग रोल होता है। तो डिसीजनल एक्टिविटी का भी मैनेजमेंट का रोल होता है। एंड लास्ट इंटरपर्सनल एक्टिविटी, यानी कि उसका इंटरपर्सनल रोल भी होता है, जितना ऊपर पड़ गया है कि उसको गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट के पास हर वो रिसर्च नॉलेज होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो कि जरूरी होती है कंपनी का डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, कंपनी की हार्मनी को मेंटेन रखने के लिए। क्या क्या जरूरी होता है? रिसर्च वर्क, नॉलेज, रिक्वायर्ड स्किल्स, एक्सपर्टीज या कोई और एक्सपीरियंस जो कि जरूरी हो कंपनी का डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस बाहर का हो, वो एक्सपीरियंस कंपनी के अंदर का भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, देखो ऑल मैनेजर्स टेकन टुगेदर, सही है ना? जरूरी नहीं है कि एक बंदे को मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे पहले मैंने कही थी क्या कि मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट है वो किसी एक मैनेजर की बात नहीं हो रही, बल्कि मैनेजर जो होता है वो फिर एक निजाम का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं और कॉमन गोल अचीव कर रहे होते हैं कंपनी का। तो इसलिए लिखा हुआ कि कैटेगराइज कर दिया मैनेजमेंट को ऐसा ग्रुप के तमाम मैनेजर जो है ग्रुप की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओनली द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, उनके अंडर मैनेजर्स तो होते हैं बट वो उस तरीके से, उस फ्रीक्वेंसी से काम नहीं कर रहे होते जिस फ्रीक्वेंसी से टॉप मैनेजमेंट काम कर रही होती है और डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। तो हेंस पता है चला कि ग्रुप मैनेजमेंट को ग्रुप की तरह भी कैटेगराइज किया जा सकता है, क्योंकि मैनेजर एक मैनेजर नहीं होता बल्कि मैनेजर्स की टीम होती है पूरी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दी गई कि भाई फैमिली इनहेरिटेड है, भाई उनके अब्बा जो थे वो डायरेक्टर थे, अब्बा मर गए, अब्बू जो है उनका बेटा आ गया। सही, अब्बा टॉप मैनेजमेंट में थे, अब्बा का इंतकाल हो गया, बेटा आ गया। या फिर कैसे आ सकता है मैनेजर? प्रोफेशनल, भाई उसके पास क्वालिफाइड डिग्री थी, उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी जो कि होनी चाहिए थी, इस तरीके इससे वो प्रोफेशनल कैटेगरी में आ गया। उसके बाद सिविल, के हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया हो, वहां पे गवर्नमेंट अपना कोई बंदा लागे बढ़ा सकती है, तो वो भी एक मैनेजर कहलाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रही है बात को? ठीक है, बात बैटरी जेन में बेटा, और कहां कहां बैठती बात बताओ, बताओ कहां कहां बैठती? उसके बाद आ गए हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। सर के मैनेजमेंट का क्या, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट को किस किस तरीके से एक्टिविटी कंसर्निंग हम कैटेगराइज कर सकते हैं? तो आप पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद गाइडिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज सच एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी हाइलाइटेड एज, अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के, मैं मैनेजमेंट को किस किस तरीके से नेचर वाइज देख सकता हूँ। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, बड़ी सिंपल सी, ऊपर पढ़ते जा रहे हैं कि भाई जितना भी काम हो रहा होता है, जितना भी ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज यूज की जा रही है वो किस लिए की जा रही है? टू प्री डिटरमाइंड गोल्स, सही है, जो एंटरप्राइज के गोल्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो एंटरप्राइज के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ही तो मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। उसके बाद मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी हम पढ़ लिया, हम पढ़ चुके हैं भाई, ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई मैनेजर क्या कर रहा होता है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज को, मैनेजर फिजिकल रिसोर्सेज को, मैनेजर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, इन तीनों रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करता है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। सही है, फिर दोबारा से आ गया, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, मैनेजर अपनी तमाम एक्सपीरियंस को, तमाम स्किल्स को, तमाम नॉलेज को यूज करते हुए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस पे जा रहा होता है। कौन सा प्रोसेस? जो कि एंटरप्राइज के ग्रोथ का प्रोसेस होता है, जो कि एंटरप्राइज के गोल्स अचीव करने का प्रोसेस होता है।
ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, सर मैनेजमेंट हर एरिया में रिक्वायर्ड होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट सिर्फ एक एरिया में रिक्वायर्ड हो, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हर एरिया में रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। मैनेजर का एक डेफिनेट प्रोसेस पर्पस होता है, एक कंटिन्यूस पर्पस होता है, ठीक है। सर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, किसी हमने पहले इससे पहले पढ़ा कि भाई मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ एबीसी एंड कंपनी, मैं ही नहीं कहता कि मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर फला फला। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी का नाम है जिसके अंदर ऊपर की चार चीजें हो रही होती है, जिसमें क्या क्या शामिल है, गोल ओरिएंटेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव, ये सारी चीजें मैनेजमेंट की एक्टिविटी में आ रही होती है। ठीक है भैया, समझ में आ रही है बेटा। फिर आगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखो, तीन किस्म के लेवल होते हैं। एक होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसका काम होता है डिसीजन मेकिंग का, जिसका काम होता है पॉलिसीज बनाने का, जिसका काम होता है डिवोट करना अपना टाइम और प्लानिंग ताकि वो अपना रोल परफॉर्म कर सके। सर जो मेन रोल है वो क्या क्या हो सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ एंटरप्राइज, पढ़ चुके हैं सर। पॉलिसीज बनाती है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजट्स, प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल, ठीक है। उसके अलावा सर स्ट्रेटेजिक प्लान और पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। अपॉइंट्स एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल, ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शंस, ये टॉप मैनेजमेंट को भी काम होता है, और इसके अलावा तमाम मैनेजमेंट का, क्योंकि तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, गाइडेंस एंड डायरेक्शन तो हर मैनेजमेंट का काम होगा, ठीक है। सर मिडिल लेवल की बात करें तो उनका क्या काम होता है, उनका एग्जीक्यूशन का काम होता है कि वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें, वो पार्टिसिपेट करें एम्प्लॉयमेंट में और ट्रेनिंग करें लोअर मैनेजमेंट की, ठीक है। इसकी बात हो रही है अभी मिडिल लाइन की, मिडिल लेवल की। वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन डिवीजन और डिपार्टमेंट, वही प्लान बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सब यूनिट प्लान बनाते हैं, और वही परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हैं जूनियर मैनेजर्स की, जबकि उनकी परफॉर्मेंस कौन एवेल्यूएट करता है, टॉप मैनेजमेंट की, ठीक है। मिडिल लेवल की टॉप लेवल कर रहा होता है और लोअर लेवल की मिडिल लेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज की क्या क्या कर रहे होते हैं। अब आ गया लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के, सर लोअर लेवल क्या कर रहा होता है। लोअर लेवल में देखो जनरली सुपरवाइजरशिप आ रही होती है, सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, फ्रंट ऑफिसर, ये तमाम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। सर इनका क्या काम होता है वो देख लेते हैं। इनका काम होता है कि ये अपने से नीचे जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करें, ये इंश्योर करें कि एंटरप्राइज का डिसिप्लिन इंटैक्ट है, डिसिप्लिन रहे, ऐसा ना हो कि डिसिप्लिन टूट जाए ऑर्गेनाइजेशन का। सर यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू अरेंज नेसेसरी मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स फॉर गेटिंग द थिंग्स डन, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुपरवाइज करने के लिए और सब ऑर्डिनेट्स को गाइड करने के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू हेल्प सॉल्व द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर्स। सर यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटरप्राइज की इमेज को बिल्ड करने में, ठीक है। उसके बाद आ गए सर मैनेजर्स कौन होते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया इसको, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब देख लिया। अब आ गए फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स पे। फंक्शन ऑफ मैनेजर क्या हो सकते हैं सर, जरूरी देखो, मैनेजमेंट का काम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना नहीं है। गुड मैनेजर्स डिस्कवर हाउ टू मास्टर फाइव बेसिक फंक्शंस। एक जो अच्छा मैनेजर होगा उसको पता होगा कि मुझे इन पांच बेसिक एसेंशियल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्या चीजें, कौन से फाइव बेसिक फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना, ये पांच। आओ देख लेते हैं कि भाई फंक्शन ये जो पांच है इनमें से प्लानिंग का क्या मतलब है। फंक्शन में प्लानिंग का देखो मतलब, हम अभी तक हमें हमारे पास एक अच्छी साफ पिक्चर आ गई कि हमें पता चल गया कि प्लानिंग क्यों कर रहा होता है मैनेजर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन गोल इज टू इम्प्रूव कंपनी सेल्स, सो द मैनेजर फर्स्ट नीड टू डिसाइड व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी टू अकॉम्प्लिश द गोल। तो वो क्या करेगा, सेल्स बढ़ाने के लिए अब वो प्लान करेगा, फिर उसके बाद वो रिसोर्सेज को गैदर करेगा और उसके बाद अपने अगले स्टेप पे आ जाएगा,
यानी कि उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज मतलब हमने पढ़ा था कि हमें क्या पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज का मतलब कि मैं अपने कैसे टास्क को असाइनमेंट्स को किस तरीके से अपनी टीम में असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिसोर्सेज मैंने गैदर की, प्लान किया कि सेल्स कैसे बढ़ानी है, और मैंने उन रिसोर्सेज को असाइन करना शुरू कर दिया अपने वर्कर्स को। फिर मैंने स्टाफिंग की कि मैंने देखा कि भाई मैंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी कि भाई मुझे इस रिसोर्सेज के लिए इतने इतने लोग चाहिए, तो मुझे स्टाफिंग करनी पड़ेगी, मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा, मुझे लीस्ट आउटपुट से मैक्सिमम इनपुट निकालना है, ठीक है। यही काम होता है ना मैनेजर का, एफिशिएंटली काम करना, सही है। मैनेजर का एक लीडरशिप का रोल होता है, लीडरशिप का फंक्शन होता है, वो लीड कर रहा होता है, इज अ लीडर, ही मस्ट लीड, और वो लीडरशिप में इन्वॉल्व कर होता है तो उसको मोटिवेट करना पड़ता है अपने वर्कर्स को, कम्युनिकेट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है और इनकरेज करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो आखिरी फंक्शन है वो क्या है मैनेजर का, कंट्रोल। ऑब्वियसली वो तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, जब वो प्लान कर चुका कि मुझे सेल बढ़ानी है, उस प्लान के बाद वो रिसोर्सेज को गैदर कर चुका और वो ऑर्गेनाइज भी कर चुका, स्टाफ को असाइन भी कर चुका चीजों को, स्टाफिंग भी कर चुका, अब वो स्टाफ को मोटिवेट और लीड और गाइड भी कर चुका, अब वो तमाम चीजों को मॉनिटर करेगा, बैठ के कंट्रोल करेगा कि क्या हर किसी का काम फिनिश हो चुका है या कहाँ तक पहुंचा है, इन तमाम चीजों को वो कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गए थे फंक्शंस, अब आओ मैनेजमेंट के रोल्स, सही है यार। एक चीज गौर से देखना कि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स हैं और अब मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की, ठीक है। जब मैं मैनेजमेंट कहता हूँ तो इट मींस के ओवरऑल मैनेजमेंट की बात होगी, मैनेजमेंट में तीन चीज आ रही होगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, तमाम लेवल की, सही ना। जबकि मैनेजर की बात करूँ तो एक इंडिविजुअल लेवल की बात होगी, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है ना कि अगर मैं फंक्शन ऑफ मैनेजर्स की जगह फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर देता, फिर मैं देखता प्लानिंग, अब इतने सारे लोग बैठ के प्लान करेंगे, इतने सारे लोग बैठ के ऑर्गेनाइज करेंगे, इतने सारे लोग बैठ के स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोल करेंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वो मैनेजर्स की इंडिविजुअल लेवल पे बात होगी। अब आ गए कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मैनेजरियल रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास मैनेजमेंट रोल्स आ गए तीन, इंटरपर्सनल रोल्स, इन्फॉर्मेशन और डिसीजन, बड़ा सिंपल सा और बहुत छोटी छोटी सी बातें इसमें। इंटरपर्सनल रोल कैसा है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट को चाहिए, एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है कि मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी ह्यूमन रिलेशनशिप कायम करे, वो अपने वो एक फिगर हेड की तरह देखा जा रहा होता है, वो एक लीडर की तरह, एक लायसन की तरह देखा जा रहा है, LIAISON, लायसन मतलब एक ऐसा ब्रिज जो कि दो पार्टीज के बीच का ब्रिज बन जाए, यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रिज इज कॉल्ड लायसन। तो आपका जो मैनेजमेंट आपकी जो होती है कंपनी की, वो एक लायसन की तरह काम कर रही होती है बिटवीन एम्प्लॉयज एंड टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज या किसी भी वाइस वर्सा, या मिडिल लेवल टू टॉप लेवल, या लोअर लेवल टू मिडिल लेवल एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका एक इंटरपर्सनल रोल होता है कि भाई वो लोगों से अच्छा गुड रिलेशनशिप कायम करे। उसके बाद इंफॉर्मेशनल रोल होता है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट ही सब कुछ डिसमिनेट कर रही होती है, मैनेजमेंट ही इंफॉर्मेशन बता रही होती है, मैनेजमेंट ही एक डिसिमिनेटर की तरह, एक मॉनिटर की तरह, एक स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रही होती है, ठीक है ना, स्पीकर होती है एक तरीके से, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ से पता चलती है ना। अब कोई अनाउंसमेंट होती है तो थोड़ी कोई डायरेक्टर जाके या कंपनी ओनर जाके कान में बताएंगे, वो मैनेजमेंट के थ्रू उनसे ये बात पहुँचाते हैं, तो एक इन्फॉर्मेशनल रोल होता है मैनेजर। फिर आ गया डिसीजनल रोल के, ऑब्वियसली जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं जो कि मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो क्या है, वो यही है कि डिसीजनल रोल होता है मैनेजमेंट का। डिसीजनल रोल इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि एक डिसीजन, एक सही डिसीजन से कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मगर ये भी ध्यान में रखो कि एक गलत डिसीजन से कंपनी गिर भी सकती है, ठीक है ना। अब आ गए वो जो के पेपर में वो बहुत ही हैबिटुअली पूछ रहा होता है, 10 मैनेजरियल रोल्स, मिंट्स भर के मैनेजमेंट रोल्स, 10 मैनेजरियल रोल, और जल्दी से देख लेते हैं इसको, बड़े इजी है, मुश्किल नहीं। फिगर हेड सर पढ़ चुके हैं, एक फिगर हेड की तरह काम करती है मैनेजमेंट, यानी के सिंबॉलिक हेड होता है, एक फिगर हेड होता है जिसका काम होता है टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज ऑफ अ लीगल और सोशल नेचर, सही है। उसके बाद लीडर, मैनेजमेंट लीडर की तरह काम करती है, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करती है, फिर मॉनिटर, मैनेजमेंट मॉनिटर कर रही होती है सबकी परफॉर्मेंस को, डेसिमिनेटर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को डेसिमिनेट करती है, इंफॉर्मेशनल स्पोक्सपर्सन होती है,
एक एंटरप्रेन्योर होती है, एंटरप्रेन्योर कैसे होती है सर, सर्चेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएट्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। सर डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, एक एंटरप्रेन्योर होती है वो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, इसलिए उसको एंटरप्रेन्योर कहा गया। ठीक है ना, डिस्टर्बेंस हैंडल, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो डिस्टर्बेंस हैंडल करती है मैनेजमेंट, सही है। रिसोर्स एलोकेटर होती है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज में कि हम मैनेजर क्या कर रहा होता है, टास्क असाइन कर रहा होता है, तो डिसीजनल रिसोर्स एलोकेटर भी होता है और साथ में नेगोशिएटर भी होता है। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज के जो बहुत मेजर नेगोशिएशन जहाँ पर करनी हो तो वहाँ पर मैनेजमेंट नेगोशिएट भी करती है, जैसा कि पार्टिसिपेटिंग इन यूनियन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। सही ना, आप एम्प्लॉय की लेबर यूनियन होती है, अब लेबर यूनियन आगे भाई सबकी तनख्वाह बढ़ाओ तो उससे बैठ के नेगोशिएट करना कि भाई आओ बैठ के, आप प्रोटेस्ट नहीं करो बात, आओ बैठ के टेबल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम भी मैनेजर का होता है, ये भी मैनेजर का रोल होता है। सही, उसके बाद आ गए क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर्स। एक अच्छा मैनेजर कौन होता है, जो कि सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर रखता हो, जिसकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा हो, जो अपने आपको हर वक्त मोटिवेट करता रहे कि यस आई कैन डू दिस, सेल्फ मोटिवेटर। ठीक है, अच्छा देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं इस फील्ड से भी मेरा ताल्लुक है, स्पीचेस वगैरह का सिलसिला है, मोटिवेशनल स्पीकर भी, तो मुझे ना इसी से इख्तलाफ है कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। या तो आप ये बोल दो कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स दुनिया में मौजूद है, या आप ये बोल दो कि सेल्फ मोटिवेशन ही होती है सिर्फ और कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो अपने आप को तब भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रखकर ही तो करते हो, तो फिर वो सेल्फ मोटिवेशन कैसे हुई। ठीक है, खैर बहस लंबी हो जाएगी, टाइम नहीं था। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट पे आ गए, जिसका दूसरी क्या क्वालिटी, लीडरशिप स्किल। सर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। तीसरी क्या, फेयरनेस। सर गोरा हो बेटा, गोरा वाला फेयरनेस नहीं है, गोरा वाला फेयरनेस नहीं है, भंगी है, हंसो मत। मुझे याद है यार हमारे टीचर थे, मैं इसलिए आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यार सवाल पे पाबंदी ना लगाओ, सवाल करते रहा करो, छोड़ा नहीं करो। तो हमारे टीचर हुआ करते थे, तो एक बार मैंने उनको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो एक छोटा सा जोक क्रैक कर दिया मैंने क्लास में, होता है यार आप लोग भी करते हो, मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ, बल्कि कभी कभार तो फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव पे चौका भी मार देता हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने बोला कि यार खड़े हो जाओ। मैंने बोला सर सॉरी क्यों? उन्होंने बोला कि आपने एक अनएथिकल हरकत की। मैंने कहा सर मुझे जरा बताइए कि मैंने क्या अनएथिकल की, जो मुझे खुद भी नहीं पता। उन्होंने बोला कि नीचे प्रिंसिपल के पास चले जाओ, और उन्होंने मुझे यार प्रिंसिपल के पास भेज दिया। प्रिंसिपल ने सी ए के ही एक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा इंस्टीट्यूट का, बहुत पहले की बात है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंसिपल के पास भेज दिया मुझे, और प्रिंसिपल ने सिर्फ एक जोक क्रैक करने पे, मैं बता रहा हूँ आपको ये सिर्फ एक जोक क्रैक करने पर, प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को बुला के मेरे और तमाम टीचर्स को बुलाया, तमाम टीचर्स के सामने प्रिंसिपल ने बोला कि ये बंदा चाहिए तो दूर की बात, ये बंदा ये पेपर इकोनॉमिक्स का एक पेपर था, ये बंदा पेपर भी पास नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता, कुछ एक भी पेपर नहीं निकलेगा इसका, छोड़ दें इसको, निकाल दें इसका टाइम भी। मैं उस वक्त खड़े होकर सोच रहा था यार किया क्या है मैंने, तुझे मुझे समझ में आया कि हमारी कौम में सवाल सुनने की ताकत नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, हमारे एक मस्त अलवी है ना कौम का, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। अगर मैं आपको कुछ कहूँगा फौरन से ऑफेंड हो जाऊंगा, बोलो यार क्यों बोलो सर। तो हम जो है ना बड़े जज्बाती लोग, हमारा घुमा हुआ दिमाग, जितने भी एशियंस है ना इन सबका दिमाग घुमा। ठीक है, अच्छा fairness, this is paramount to a manager effectiveness, he needs to demonstrate fairness in his governing style from the beginning. भाई वो अपने जो paramount है manager का, जो manager की जो एक base है उसको strong रखे और fair रहे, unbiased रहे, bias ना हो, ऐसा ना हो कि किसी भी decision में उसके biasness नजर आए। ठीक है, biasness समझते हो ना क्या है, biasness मतलब है कि एक unusual judgment, unusual judgment या pre-judgment is called biasness. अब एक बंदा, दो बंदे आए हैं, ठीक है ना, दो बंदे काम कर रहे हैं बहुत मेहनत से, लेकिन एक बंदा मुझे अपने जो है वो एक्स का भाई लग रहा है, एक्स के भाई से शक्ल मिलती उसकी, तो मैं उसको जो है ना, वो अब है वो जाहिर है एक, तो उसको मैं जो है ना फेवर दे देता हूँ,
सॉरी उससे मैं दुश्मनी निकाल देता हूँ कि भाई नहीं तुम आखिर उस जैसी जगह तुम्हारी क्यों है, नहीं तुम्हें तो मैं ज्यादा काम दूंगा। दूसरा बंदे को मैंने अच्छी में रखा फुल, उसको मैंने कोई काम नहीं दिया, दो तीन छोटे छोटे काम दिए। तो वो कह रहे कि ए ए मैनेजर इंसान था पुत्र बन फिर रहो, सही है ना, अनबायस रहो। अच्छा एथिकल स्टैंडिंग, एथिकल स्टैंडिंग में भी यही आ जाता है कि उसका जो एथिकल उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो एथिकल होनी चाहिए, पहले से अप्रोच होनी चाहिए उसके स्टाइल में कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है। ऐसा ना हो कि गालियां दे दे के बुला रहा हूँ, ठीक है ना, अब बुला रहा हूँ भाई इधर उधर आओ वही उधर, इस तरीके से बात ना करे, एथिकल स्टैंडिंग रखे अपनी, ऑनेस्टी से काम करे भाई। मैनेजमेंट मैनेजर है तो ऑनेस्टी से काम कैसे करेगा, वो ऑनेस्टी से काम ऐसे करेगा क्योंकि एक मैनेजर को एक टाइम गुजारने के बाद ये समझ में आ जाता है कि लीस्ट आउटपुट से मैक्सिमम इनपुट कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो ऑनेस्टी से काम करो एंड डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ठीक है। अगला है लीड बाय एग्जांपल, ऐसे काम करो, ऐसे रहा करो कि लोग करे आरजू, ऐसे चलन चलो के जमाना मिसाल दे। तो बस ये लिख के ना आ जाना अल्लाह के बंदे, बोलो कि सर आपने शेर दिया था मैं लिख के आ गया, तो वो फिर अगला शेर बोलेगा कि किस्मत थी तेरी लगता है तू हीरो, ए बेटा देता हूं मैं तुझे जीरो, वो फिर शेर लिख के भेज देगा, सही है। अच्छा उसके अंदर एक कीन जजमेंट एलिमेंट होना चाहिए, सही है। कीन जजमेंट एलिमेंट मतलब उसके अंदर एक ऐसी जजमेंट का एलिमेंट हो जो कि जस्टिस हो उसके अंदर, उसके अंदर क्या हो, इंसाफ हो, विजडम हो, ठीक है। मस्ट पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर, ऑब्वियसली देखो सिंपल सी बात है ना, सिर्फ मैनेजर नहीं दुनिया में हर शोबे में हर पेशे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो ना। इंसान जबान में कैद है अपनी, इंसान क्या है अपनी जबान में कैद है, जैसे ही जबान का ताला खुला इंसान सामने, जजमेंट ही बदल जाती है भाई, ठीक है ना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी क्वालिटी क्या है कि इंटीग्रिटी, उसकी इंटीग्रिटी अच्छी हो, इंटीग्रिटी हो, सही है। ऐसा ना हो उसकी जबान, इंटीग्रिटी का मतलब सर क्या, वो उर्दू में बताइए, उसकी कहते हैं ना कि मुसलमान एक जबान का होता है, तो उसकी इंटीग्रिटी हो यानी कि अपनी जबान का पक्का हो, ठीक है, कमिटमेंट हो, कमिटेड हो, सही है। अच्छा उसके बाद आगे भाई वही मोड़ तोड़ के जो पेपर में पूछ रहा होता है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऊपर क्या था, 10 मैनेजेरियल रोल्स थे और ये क्या है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये गौर से देखना यार, ये इस तरह के लफ्जों से घुमाता है यार, इसके पास और कुछ तो है नहीं बेचारे के पास, वो इसी तरह लफ्जों से घुमा रहा है, तो उसको गौर से देखना, ठीक है। और 14 प्रिंसिपल्स देख लेते, चलो अच्छा सही है, ब्रेक ले लेते हैं यार 15 मिनट की, 3:05 हो रहे हैं, 3:20 पे सारे यहाँ पर मौजूद।
जी बच्चों आ जाओ भाई। अब हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्रॉल मैनेजमेंट के, ठीक है ना। चलो और देख लो, तो नंबर वन में हमारे पास है डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहता है कि मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल होने चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट के ये असूल होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको अगर बात को समझ गया तो आगे आगे सारी कहानी को समझ में आ जाएगी। मैनेजमेंट के असूल होने चाहिए का मतलब है कि मैनेजमेंट, ए मैनेजमेंट तुम ये करो, तुम्हारे पास ये चीजें हैं, तुम ऐसा ऐसा करोगी जबी तुम एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पूरा उतरोगी। अब वो प्रिंसिपल क्या है आओ देख लो। डिवीजन ऑफ वर्क, सर अपने वर्क को डिवाइड करना, मैं अपने काम को अपने टास्क को डिवाइड कर दूंगा, इससे क्या होगा, इससे स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन से क्या होती है, स्पेशलाइजेशन अलाउज द इंडिविजुअल टू बिल्ड अप एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव हिज स्किल्स। अब क्या होगा, एक काम में एक ही बंदे से बहुत सारा काम करूंगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का, मगर यही एक काम में चार लोगों में डिवाइड कर दूंगा, अब चार इंडिविजुअल लोगों के पास इतना टाइम होगा और इतना दिमाग रहेगा बाकी कि वो सोच सके और अपने स्किल्स पे काम कर सके। सर अथॉरिटी होनी चाहिए एक मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए, एम्प्लॉइज जरूरी है कि एम्प्लॉइज मैनेजमेंट की बात सुने भी, ठीक है ना। तो एक ऐसा टू साइडेड कम्युनिकेशन डेवलप करनी चाहिए, एक ऐसी गुड लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए जिससे डिसिप्लिन मेंटेन रहे। यूनिटी ऑफ कमांड, सर ईच वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस विद नो कॉन्फ्लिक्टिंग लाइंस ऑफ कमांड। ऐसा ना हो कि एक बंदे को दो लोगों की नहीं सुननी हो कि भाई मुझे इनकी भी सुननी है इनकी भी सुननी है, फिर जो दो ऊपर बैठे हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गई आपस में तो आप फंस जाओगे। तो कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर जरूरी है कि यूनिटी ऑफ कमांड एक होनी चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है सर पीपल एंगेज इन द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी मस्ट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव इन अ सिंगल प्लान, दिस इज एसेंशियल टू इंश्योर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द एंटरप्राइज। यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बट डज नॉट नेसेसरली फ्लो फ्रॉम। अच्छा जी, यूनिट डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक डिपार्टमेंट है तो एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक जो डिपार्टमेंट में लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब अगर जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो एक डिपार्टमेंट किसी एक खास एक्टिविटी के लिए होगा, किसी खास ऑपरेशन के लिए होगा, इसलिए कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज मस्ट बी मस्ट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव इन अ सिंगल प्लान, ठीक है। तो डायरेक्शन यूनिटी, डायरेक्शन में यूनिटी, देखो लफ्ज से समझो ना कि डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऐसा ना हो, आप अलाइन करो, आप इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को और बिजनेस के इंटरेस्ट को अलाइन करो, ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट देखते देखते आप बिजनेस के इंटरेस्ट को भूल जाओ, ठीक है ना। तो आप इन दोनों चीजों को अलाइन करो, और उल्टा भी ना हो, ऐसा ना हो कि आप बिजनेस के इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भूल जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेशन होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन, ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन जो वर्कर्स काम करते हैं उनको फेयर वेज देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मार्केट कॉम्पिटेटिव नहीं दे रहे कम दे रहे, फेयर देने, मतलब जरूरी नहीं कि मार्केट कॉम्पिटेटिव ना हो तो फेयर नहीं है। फेयर का मतलब ये है कि जो उसका बनता है सही ना, वो मार्केट टर्म जो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो जाएंगी, तो फिलहाल सिर्फ ये कि फेयर हो, ज्यादती ना हो, चार लोगों को एक जैसे पे दे रहे हैं, पांचवे को कम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरी एक्स का भाई था, ठीक है ना, वही वाली बात आ जाएगी, बेटा एक्स के नाम पे तुम बड़ा खुश हो, सारी ये तो लग रहा है अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ तुम्हारा। अच्छा जी चलो आगे देखो। अच्छा बेटा इधर इधर यार, टाइम कम है, देखो करेंगे तकलीफ मिलकर करेंगे, एक रूम रख लेंगे, इस तरह रूम है ना वहां पर, वहां चलेंगे मिलकर करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम दे दो, सुन लो और लिखते रहो, सिर्फ फुल रिपोर्टर बन जाओ अपारी। चलो जी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज, देखो सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, क्या मतलब कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो बीच में हो, सेंट्रलाइज्ड हो, सही है, कोई एक बंदा हो, एक टॉप मैनेजमेंट की हो, टॉप मैनेजमेंट में कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो, लाइन ऑफ अथॉरिटी हो जहां पर डिसीजन मेकिंग लाया करती हो, ठीक है ना। उसके बाद है स्केलेट चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी डिफाइंड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि जो डिसीजन मैनेजर ने लिया है वो उससे ऊपर वाला डिसीजन अगर नहीं एक्सेप्ट करता तो वो उसको ओवररूल कर सकता है या नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें, लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर होगी तो सब पता हो जाएगा आपको।
ठीक है ना, मैनेजमेंट की लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ये टॉप मैनेजमेंट है, ये मिडिल मैनेजमेंट है, ये लोअर है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंड होनी चाहिए। ऑर्डर देखो, बोथ मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर आर नेसेसरी, द फॉर्मर मिनिमाइजेस लॉस्ट टाइम्स एंड यूजलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, द लेटर इज अचीव्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलेक्शन। सर ऑर्डर होना चाहिए हर चीज का, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस होनी चाहिए एक्टिविटीज की। उसके बाद है इक्विटी इन रनिंग बिजनेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेसनेस एंड डिस्टेंस। इक्विटी होनी चाहिए सर, तमाम एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करो, ठीक है। दोबारा से वही वाली एग्जांपल आएगी तो तुम हंसोगे, इसलिए वही वाली एग्जांपल अज्यूम थी, वही वाली एग्जांपल इसमें भी आ रही। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, भाई एम्प्लॉइज वर्क बेटर इफ जॉब सिक्योरिटी एंड करियर प्रोग्रेस आर अज्यूम टू देम। अगर उनको पता होगा कि उनकी जॉब सिक्योरिटी है, अगर उनको पता होगा कि उनका करियर प्रोग्रेस कर रहा है, तो ही वो एक अपनी मतलब फिर मेहनत से काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। An insecure tenure and a high rate of employee turnover will affect the organization adversely. सही ना, अगर अगर जॉब सिक्योरिटी नजर नहीं आएगी एम्प्लॉइज को, अगर करियर प्रोग्रेस करता हुआ नजर नहीं आएगी, तो क्या करेगा एम्प्लॉई वहां से स्विच कर जाएगा, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट, आपका जो टोटल एम्प्लॉई टर्नओवर है अगर कम हो गया, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कैसे होंगे काम करने के लिए, और एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, इनिशिएटिव, भाई आप अप्रिशिएट करो इन एम्प्लॉइज को जो अपनी तरफ से चीजों को ओरिजिनेट करना चाहते हैं, जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जो कैरी आउट प्लान्स एंड टू ओरिजिनेट, ठीक है। तो उनको आप क्या करो, उनको अप्रिशिएट करो यार। एस्पिरेट डी कॉर्प्स, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, सही ना, लैटिन वर्ड है इसको, उसको क्या कहेंगे कि आप टीम स्पिरिट को प्रमोट करो। सही, ये वही है जो मैं करता रहता हूँ जाके जगह जगह पे, कि टीम स्पिरिट को एनकरेज करना, कि यार आप जरूरी नहीं है कि एक काम मैं खुद अकेले खड़े खड़े कर दूँ। सही है, हर कोई बाबर आजम नहीं होता, अकेले अकेले जरूरी नहीं है कि मैं खड़े खड़े कर दूँ, मुझे जरूरी है कि टीम स्पिरिट एक डेवलप करूँ, मैं प्रमोट करूँ टीम स्पिरिट, कि यार आप एक टीम की तरह काम करोगे तो एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं है कि एक टीम और एक ग्रुप एक जैसा हो, ग्रुप हर टीम एक ग्रुप हो सकता है, लेकिन हर ग्रुप एक टीम नहीं हो सकता। सर क्या मतलब, टीम हमेशा कंबाइंड होती है और उनकी एफर्ट्स को कंबाइन करके लेके चलती है, जबकि ग्रुप में जरूरी नहीं है कि एफर्ट्स को कंबाइन करके चला जाए। ग्रुप एक सिर्फ फिजिकल शक्ल का नाम है, जबकि टीम एक स्पिरिचुअल टर्म है। सही है, तो टीम स्पिरिट होनी चाहिए टू बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही है यार, यहाँ तक पहुंच गए, अब हम आगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। सर इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, आखिर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ऑब्वियसली जो पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैनेजमेंट में आगे आप देखोगे कि हर चीज एक जैसी दिख रही होगी, लेकिन जो रेलेवेंट चीज है आपको वो उस टाइम पर डिलीवर करके आनी है। आपको लगेगा कि भाई यही तो 5 से 6 पॉइंट है, इसको मैं याद कर लूंगा चले जाना, ठीक है, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा एंड में कैसे करना है आपको। उसके अलावा भी कोई अगर इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हो मुझसे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा बेटा ये जरूर याद रखना कि आपको याद करना है। आपको मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा, मेरे पास इंडिविजुअली आ जाओ मैं आपको बता दूंगा, मगर याद करना ये ज़हन में रखो। सही है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सही है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, हम बहुत सारे ऑलरेडी चीजें बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। भाई ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऑप्टिमिस्टिक यूटिलाइजेशन डिक्लेयर होती है, जिससे कि भैया कि मैं जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज का मेरे पास जो जखीरा है उसको मैं कैसे ऑप्टिमिस्टिकली यूटिलाइज करूँ, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, ऑब्वियसली अगर मैं एफिशिएंट हूँ, मैं इफेक्टिव हूँ, तो मैं लीस्ट इनपुट आउटपुट से मैक्सिमम इनपुट क्रिएट कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सही है, वही वाली एग्जाम्पल की, जहाँ मैं 4 लोगों से एक काम करवा रहा था, मैं एफिशिएंटली काम कर रहा था, मैं 2 लोगों से करवाऊंगा, बाकी के 2 लोगों की कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। एस्टैब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। सर ऐसा नहीं होगा कि एफर्ट्स ओवरलैप हो रही होंगी, ऐसा नहीं, एफर्ट्स ओवरलैप का मतलब अगेन वही वाली बात, 4 लोग हैं, अब हर किसी की एफर्ट ओवरलैप हो रही है, अब वो मेहनत जो मैं अकेले कर सकता हूँ वो डिवाइड, मेहनत देखो हमेशा अगर ना एफर्ट्स जब डिवाइड हो जाती है तो उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती जितनी की वो तब होंगी कि जब उसको इंडिविजुअल बना करें अपनी फुल मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ। अब ये भी वो बात है जो मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस में देती, यार देखो मेरा पेज भी है, आप लोग चाहो तो वहाँ पेज पे जाकर देख सकते हो, 2 पेजेस, एक तो इफेक्ट का है, वहाँ पर भी कुछ वीडियोज ले ली थी,
इसके अलावा मेरे खुद के पेज पे भी डली हुई है सैयद जामिल अली ऑफिशियल के नाम से, ठीक है ना, जाके देख सकते हो अगर किसी को देखनी हुई तो। मजीद उस पर वीडियोज डाली जा रही हैं, इंशाल्लाह देखो उसको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाएगा। अच्छा, एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, भाई जस्टिस का निज़ाम होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, एसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। अब ये क्या कैसी बात हो गई, ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप आगे जाओगे तो हर कंपनी की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आपने मेरे मुल्क में कोई सिटीजन खड़ा होकर पूछे कि ए कंपनी तुमने मेरे मुल्क में कंपनी तो बना ली, तुमने मेरे मुल्क में कमाना भी शुरू कर दिया, लेकिन तुमने मेरे मुल्क में कमाने के बाद मेरे मुल्क को क्या फायदा दिया। तो वो कहता है कि भाई एक कंपनी बनाने से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, एक कंपनी बनाने से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, कंपनी बनाने से बहुत हजारों चीज होती है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे हो, पढ़ोगे भी कि हमारी भी क्लासेस हो रही इकोनॉमिक्स की, अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा, सर सलमान आपको पढ़ा रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है कंपनी में, आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, उससे क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन कम होती है, और क्या होता है, आपके करेंसी रेट अच्छा होता है, और बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे सर सलमान से। तो ये सर इम्पोर्टेंस थी सर मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, सही है ना। अब आ गए हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के, सर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जल्दी से देख लो, चार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट, डिस्कस कर चुके हैं वही, कि एटमोस्ट आउटपुट, एटलीस्ट आउटपुट से एटमोस्ट बनाना, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है आपको क्या, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें हैं जो आप स्टिल, ये भी आप कहाँ पढ़ रहे हो, अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, और अगर हमसे इकोनॉमिक्स ले रहे हो आप तो सर सलमान आपको पढ़ा रहे होंगे कि क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए मैनेजमेंट की मदद जरूरी होती है, मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। सर क्या है जरा सरसरी सा बता दें, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरी लैंड लेबर कैपिटल, यानी कि मेरी कोई मशीन की बात करूं मैं, अगर मेरी मशीन है तो मैं उससे एफिशिएंटली कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करवा लूं, कैसे मैं उससे आउटपुट प्रोड्यूस करवा लूं, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एक मैनेजमेंट स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का, इन टर्न इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय इन द शेप ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस, सूटेबल वेज सिस्टम, इंसेंटिव प्लान्स, एंड ऑन द अदर हैंड हायर प्रॉफिट्स टू एम्प्लॉयर, सही ना। एम्प्लॉय के लिए क्या होता है भाई, सूटेबल एनवायरनमेंट होता है, वेज अच्छी सैलरी होती है, इंसेंटिव प्लान होता है, एम्प्लॉयर के लिए कैसे अच्छा है, एम्प्लॉयर यानी कि बॉस के लिए, ओनर के लिए उसको हायर प्रॉफिट्स मिलता है, सही है। ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे होते हैं, तो एक कंपनी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर रही होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, और इस तरीके से जस्टिस थ्रू इट्स यूनिफॉर्म पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही होती है किसको, एम्प्लॉयज को, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट, इसकी हम थ्योरीज ऑलरेडी बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर सिर्फ हिस्ट्री बताई गई बेटा, एक नज़र आप पढ़ भी लोगे तो आपको भी दिख जाएगा, सिर्फ मैं इनमें फर्क बता देता हूँ कि इन तीनों का फर्क क्या है, सही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सिर्फ वन वर्ड, दैट इज टास्क ओरिएंटेड, उसको काम चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरीज में जितनी भी बात है वो यही है कि भाई मुझे काम चाहिए, कुछ भी करके दो मुझे काम चाहिए, तो उसके ऊपर थ्योरी देंगे, भाई काम को अच्छा बेहतर बनाना हो तो स्पेशलाइजेशन थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, डिवाइड कर दो टास्क, तो काम आपका बेहतर हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिमिटेशंस भी हैं अलग से। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, यानी कि पीपल ओरिएंटेड अप्रोच है, ये पीपल ओरिएंटेड थ्योरीज होंगी इसमें, जिसके अंदर हमारे साथ बहुत सारे थ्योरीज मिलेंगे आपको, रॉबर्ट ओवन मिलेगा, मंस्टर बर्ग मिलेगा, एल्टन मायो मिलेगा, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं, तमाम लोग थ्योरीज दे रहे हैं मैनेजमेंट की जो कि पीपल ओरिएंटेड है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेड ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेड में मैनेजमेंट में रिजल्ट ओरिएंटेड थ्योरीज है कि भाई चाहे आप टास्क ओरिएंटेड रहो चाहे पीपल ओरिएंटेड रहो, दोनों ओरिएंटेशन के अंदर एक चीज कॉमन होनी चाहिए, दैट इज रिजल्ट, रिजल्ट प्रोड्यूस हो गई, सही है।
रिजल्ट प्रोड्यूस हो, और जहां पर आपको ह्यूमन ओरिएंटेड नेचर चाहिए हो वहां पे ह्यूमन ओरिएंटेड नेचर, जहां पर आपको साइंटिफिक नेचर यानी कि टास्क ओरिएंटेड नेचर चाहिए हो वहां पर टास्क ओरिएंटेड नेचर। सही है। अब हम आ गए टेलर और फेयर में। देखो टेलर जो था एक साइंटिफिक मैनेजमेंट था, जबकि फेयर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था। वो कहता है कि भाई फेयर कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या पढ़ा हमने कि जहां पर जैसी जरूरत हो वहां पर वैसी थ्योरी अप्लाई करो, जबकि टेलर वो बोलता है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट के मुझे काम चाहिए। सही है। तो टेलर ये कहता है कि टेलर सबसे इंपॉर्टेंट बात ह्यूमन एस्पेक्ट डिसरिगार्ड करता है। वो कहता है भाई मुझे लोगों से नहीं लेने देना, बस काम चाहिए। जबकि फेयर बोलता है कि ह्यूमन एलिमेंट जरूरी होता है। स्टेटस क्या है भाई, टेलर फादर ऑफ साइंटिस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है और फेयर फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहलाता है। अभी हमने पढ़े ऊपर, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टेलर एफिशिएंसी पे ज्यादा एम्फसाइज करता है और फेयर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा एम्फसाइज करता है। टेलर की अप्रोच क्या है भाई, टेलर हैज अ माइक्रो अप्रोच बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फैक्ट्री ओनली। क्योंकि फैक्ट्री एनवायरनमेंट के लिए इसने ज्यादा बात की कि भाई आपका जो टास्क है बहुत सारे काम है तो उसको डिवाइड कर दो, इस तरह कर दो। जबकि फेयर की जो अप्रोच है वो मैक्रो अप्रोच है, वो ऊपर लेवल जनरल लेवल पर ज्यादा जनरल प्रिंसिपल्स हैं। वो कहता है कि भाई किसी भी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में काम आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री एनवायरनमेंट में ही हो, ठीक है। स्कोप ऑफ प्रिंसिपल क्या है भाई, टेलर के स्कोप ऑफ प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि दीज प्रिंसिपल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज ओनली, जबकि फेलर फेयर में these are applicable in all kinds of organizations regarding their management affairs. Taylor scientific hai aur Fayol administrative hai. ye to ho gaye differences aur ye ho gaye baad yahan par khatam. ab aa gaye hum planning pe ke acha planning which is another aspect of management and coordination. upar padha tha na maine, dekho cheezon ko link karke chalna bahut zaruri hai. coordination through प्लानिंग, सही है। जिसमें मैंने क्या कहा था, प्लानिंग में क्या है, बैठ के डिस्कस करो भाई उससे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये सारी चीजें प्लानिंग में आ रही थी। तो कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, और कोऑर्डिनेशन क्या था, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट था, मैनेजमेंट का एसेंशियल था, ठीक है। तो अब हम आ गए प्लानिंग पे। प्लानिंग क्या है पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नेचर क्या है प्लानिंग की, और देख लो यार 5 मिनट दे देना मुझे जरा, मैं
ठीक है भाई प्यारे बच्चों, समझ में आ रही चीजें यार। अच्छा अब हम आ गए प्लानिंग, और प्लानिंग में नेचर ऑफ प्लानिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। नेचर ऑफ प्लानिंग क्या होती है, मतलब प्लानिंग की, प्लानिंग एसेंशियल्स बेसिकली, ठीक है। सो द एसेंशियल नेचर ऑफ प्लानिंग कैन बी हाइलाइटेड बाय फोर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग: कंट्रीब्यूशन टू पर्पस, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, प्रोग्रेसिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। तो देख लो कंट्रीब्यूशन टू पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है। The purpose of every plan and all derivative plans is to facilitate the accomplishment of enterprise purpose and objective. भाई क्या होता है planning का purpose? के आपके जो objective के purpose हैं उसको accomplish किया जाए, उसको complete किया जाए, उसको achieve किया जाए। This principle derives from the nature of organized enterprise, which exists for the accomplishment of group purpose through deliberate cooperation. This was emphasized by Coons. Coons क्या बोलता है? The plans alone cannot make an enterprise successful. Action is required. The enterprise must operate. सही है ना? जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्लान करके बैठ जाओ, जरूरी ये भी है कि आप प्लान के बाद उसको एग्जीक्यूट करो। सो एक्शन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद है परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। क्या है भाई? प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये बात तो पता थी हमें, मगर वो ये कह रहे हैं कि ऑल्दो द कैरेक्टर एंड ब्रीथ ऑफ प्लानिंग विल वेरी with their authority and with the nature of policies and plans outlined by their superiors. वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं कि planning करे, बल्कि nature of planning जरूरी है और help करती है superiors को in decision making. It is virtually impossible to circumscribe the area of choice where they can exercise no discretion, and unless they have some planning responsibility, it is doubtful that they are truly managers. वो कह रहे हैं कि अगर planning की उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो एक मैनेजर मैनेजर हो ही नहीं सकता, वो मैनेजर कहलाएगा ही नहीं। हाउएवर ऑल मैनेजर फ्रॉम प्रेसिडेंट टू सुपरवाइजर, प्लान बहुत जरूरी है। कोई भी हो, प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिड लेवल का हो, या फिर लोअर लेवल का हो, ठीक है ना। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग में क्या है? वो कहता है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, the one that precedes and it is the basis for the organizing, influencing, staffing, leading, control, वही वाले फंक्शन बता दिए उसने। वो कह रहा है कि सिर्फ वहां पे नहीं बल्कि प्लानिंग में भी ये सारी चीजें जरूरी हैं। फिर वो ये कहता है कि प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ टू अचीव देम के लिए सवाल जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी नीड एंड व्हेन, हाउ मस्ट इफेक्ट, हाउ मोस्ट इफेक्टिवली टू लीड एंड डायरेक्ट पीपल एंड बाय फर्निशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल। वो कह रहे हैं कि इन चार चीजों से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे प्लान्स, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव करने हैं। सही है। एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग कैसे होगी कि ना सिर्फ जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट करूं बल्कि उसे फॉलोअप भी लेता रहा हूं, उसको मॉनिटर भी करता रहा हूं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ प्लानिंग विल बी इफेक्टिव। सर एसेंशियल्स ऑफ प्लानिंग क्या है? एसेंशियल्स ऑफ प्लानिंग ये है, इसमें छोटी सी एक से दो बातें, कि आपकी प्लानिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक के आपकी उसमें एग्जीक्यूशन ना हो, और एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल कब तक नहीं होगी जब तक कि आपका उसका मॉनिटर या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है, उसको मॉनिटर ना करें आप। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ विल दे बी मीट एंड व्हाट विल बी दे लाइकली, व्हाट विल बी द लाइकली लेंथ ऑफ द प्लान एंड स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग्स इन द कॉन्सेप्ट एंड गैप्स, ये तमाम चीजें भी हमें आइडेंटिफाई करनी होती है प्लानिंग में, ठीक है। सर प्लानिंग प्रीमिसेस क्या चीज है? प्लानिंग प्रीमिसेस एक ऐसे फैक्टर को कहते हैं जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग इंपैक्ट हो सके, ठीक है। उसने चार टुकड़ों में तोड़ दिया प्लानिंग प्रीमिसेस को, चार फैक्टर्स में तोड़ दिया एक फैक्टर को। कौन कौन से? एक को कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमिसेस होते हैं, फिर वो कहते हैं कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल प्रीमिसेस, फिर बोलता है टेंजिबल एंड टेंजिबल प्रीमिसेस और कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। आओ देख लेते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमिसेस क्या होते हैं। वो रिसोर्सेज हैं और वो एबिलिटीज हैं व्हिच पर्टेन्स टू द फर्म्स ओन क्लाइमेट, जो के अंदर के इंटरनल प्रीमिसेस की बात हो रही है, जो के अंदर के बिजनेस के, कंपनी के अंदर के क्लाइमेट में होती हैं। क्या चीजें? रिसोर्सेज और एबिलिटीज। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? सेल्स फोरकास्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड वगैरह सब कुछ। जबकि एक्सटर्नल प्रीमिसेस क्या होंगे?
एक्सटर्नल प्रेमिसेस बिजनेस एनवायरनमेंट को भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केट को भी कह सकते हैं और फैक्टर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कह सकते हैं, यानी कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, बाहर का यानी कि जो बाहर की दुनिया ना उसका एनवायरनमेंट क्या है वो मेरा एक्सटर्नल प्रेमिसेस होगा। यार अभी देखो थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट के बगैर मैं कह नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये जेन में बिठा लो, थोड़ा सा रह गया, मुश्किल नहीं है मेरी जान, थोड़ा सा रह गया, ठीक है मेरे बच्चों, साथ और साथ रहोगे तो हो जाएगा यार, सही है, यहाँ पर है अभी हो जाएगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है चीज, बस सुनकर और गौर से नोट करते रहो। कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं वो कंट्रोलेबल कहलाते हैं, जैसा कि प्लांट लोकेशन, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या होगी, सही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे हम, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं सर जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं प्लानिंग के, कौन कौन से, मैनेजमेंट जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसा कि कोई पॉलिटिकल एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि कल जो है एक हफ्ते तक सब, जिस तरह लॉकडाउन की बात करूँ मैं, लॉकडाउन लग गया अब क्या होगा, अब मैं कैसे प्लान करूँ सेल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया सेल तो होगी नहीं, तो ये कौन से फैक्टर है जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, उसके अलावा ये, लेकिन उसको मैं किसी हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ, मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, सही है, हो सकता है वो क्या होगी, वो एक वॉर हो सकती है, ठीक है ना, पाकिस्तान की जंग हो गई है इंडिया से, भारत से, तो उससे क्या होगा, उससे ऑब्वियसली मैं थोड़ी अपनी दुकान खोल के बैठूंगा यार, फिर तो सब बंद करना पड़ेगा ना, सही है, लॉकडाउन में तो सेमी कंट्रोलेबल इसलिए था बेटा लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में आप अगर फिजिकल नहीं तो ऑनलाइन तो बेच ही रहे होते हो ना, तो उसको मैं उस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, सही है। फिर सर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोसेसेस, टेंजिबल कौन से, इट्स कैन बी एक्सप्रेस और मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, जैसा कि लेबर आवर्स कितने होंगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मैं कितनी प्रोडक्शन करूंगा एक साल में, मेरी नंबर ऑफ मशीन्स कितनी होगी, ये है टेंजिबल प्रीमिसेस, जबकि इनटेंजिबल प्रीमिसेस क्या होंगी कि मेरी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, गुडविल, मेरे पब्लिक रिलेशंस क्या है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन कैसी है, मोरल कैसा है उनका, एटीट्यूड कैसा है, ओनर्स की फिलॉसफी क्या है, विजन क्या है कंपनी का, विजन क्या है, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल प्रीमिसेस, सर ये कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल प्रीमिसेस कौन से प्रीमिसेस हैं जो कि कॉन्स्टेंट वो हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, सेम रहेंगे हमेशा, जैसा कि मेरी मशीनें, मेरा पैसा और मेरी वर्कफोर्स, जबकि वेरिएबल प्रीमिसेस क्या होती हैं, एक ऐसी प्रीमिसेस जो कि चेंज हो सके सब्जेक्ट टू द सिचुएशन एंड एनवायरमेंट, दे इंक्लूड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना, इसकी एग्जांपल आ गई यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। सर क्या स्टेप्स हैं प्लानिंग फंक्शन के, स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शन, अब मुझे यहाँ तक ये तो समझ में आ गया कि सर वो फैक्टर्स ही पढ़ लिए जो कि प्लानिंग को इम्पैक्ट करेंगे, सर मैंने ये भी पढ़ लिया कि नेचर क्या होती है प्लानिंग की, सर मैंने फीचर्स भी पढ़ लिया, सेंसर भी पढ़ लिया, अब मैं देख रहा हूँ कि प्लानिंग फंक्शन के स्टेप्स कैसे होंगे, एक मैनेजर को किस किस तरीके से चीजों को प्लान करना पड़ेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है जिसपे उसको काम करना है, ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्टिव वो अपनी टीम को कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि वो कौन से प्रीमिसेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी प्लानिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स देखेगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो मेरी कंट्रोल में है, सेमी कंट्रोलेबल है और अनकंट्रोलेबल है, वो कौन से फैक्टर हैं जो टेंजिबल है, वो कौन से जो इंटेंजिबल है, वो कौन से जो कॉन्स्टेंट है, वो कौन से जो वेरिएबल है, सर उसके बाद वो सर्वे रिसोर्सेज, वो देखेगा कि क्या मेरी जितनी भी मेरी स्ट्रेटजीज हैं क्या वो मॉनिटर हो रही है नहीं हो रही, उसके लिए वो उसकी पॉलिसीज एस्टैब्लिश करेगा, पॉलिसी एस्टैब्लिश करने के बाद वो देखेगा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई चीज गड़बड़ होती है तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, फिर वो उसके लिए भी प्रोसीजर्स बनाएगा और रूल एस्टैब्लिश करेगा, फिर वो बजट एस्टैब्लिश करेगा, बजट एस्टैब्लिश करेगा क्या मतलब सर, it is difficult to separate budgeting as a planning function without also recognizing the role that it has been controlled, unfortunately most people in organization find it easier to plan their budget than to execute them, sabse important baat budget log kar lete hain sir magar execute nahi karte, fir baithe mein yaar beda garab ho gaya, are yaar allah ke bande jab log execute nahi karoge tab kaise kaam aayegi planning tumhari, theek hai, fir time table banao, timeline banao ki tumhare kitne time tak jo hai wo kya kya ho jana chahiye और कितने टाइम तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, सही है, और इन तमाम चीजों के लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दो ताकि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेंटेन करूंगा तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उससे मैं कंपेयर कर सकूं, यार यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अब हम आ गए, अच्छा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या फर्क है सर? सर बहुत बड़ा फर्क है। कंट्रोलिंग में आप ये देख रहे होते हो, प्लानिंग में देख रहे होते हो कि प्लानिंग, अच्छा एक बड़ा प्यारा जुमला मिला ये सुन लो समझ में आ जाएगा। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ठीक है, आप कंट्रोल कर रहे होते हो किन चीजों को, जो अब तक आपने एस्टेब्लिश कर ली होती है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, पीछे देखना कि सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। जबकि प्लानिंग क्या है कि आज के पॉइंट पे खड़े होकर मैं आगे देखूं कि मैं आज से आगे क्या करना है मुझे। ठीक है ना, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। सबसे शुरू जो करता है वो प्लानिंग से करता है और सबसे आखिर में जो कंट्रोल का एलिमेंट है वो सबसे एंड मैनेजरियल प्रोसेस का एलिमेंट है। ठीक है ना, जिसमें ऑब्वियसली कंट्रोल में क्या कर रहा होता है, वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है कि यार अब तक जो मैंने एस्टेब्लिश किया क्या वो स्टिक टू द प्लेस है या नहीं, अपनी जगह से हिल तो नहीं गई, सही है। तो उसके बाद पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड रूल्स है जिसमें बताया हुआ कि कैसे प्रोसीजर्स बनाएंगे। डिफरेंस क्या है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पॉलिसी इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल यूज्ड टू सेट डायरेक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी क्या है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो गाइड करता है और जो डायरेक्शन सेट करता है, जबकि प्रोसीजर क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड। सही है, बात समझ में आई। प्रिंसिपल्स जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मेरी पॉलिसी है, और वो प्रोसीजर क्या है, मेरे स्टेप्स हैं जो कि मुझे फॉलो करने हैं कंसिस्टेंटली और रिपीटेडली। सही है सर, पॉलिसीज और रूल्स दोनों में एग्जांपल दे देंगे। रूल्स की एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है नो स्मोकिंग, डोंट डिस्टर्ब, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, एक्सेप्ट अथॉरिटेटिव पर्सन, इस तरीके से जो भी लिखा होगा सर ये क्या है, ये रूल्स है बेटा। जबकि प्रोसीजर पॉलिसीज क्या होंगी, पॉलिसीज ये होती है कि आपको सुबह 9 बजे आना है और 9 to 6 टाइमिंग है और संडे ऑफ रहेगा, ये क्या है, ये सारी पॉलिसीज है। सही है, ये सब क्या है, ये पॉलिसी है। पॉलिसीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जुमला सुन लो, पॉलिसीज होती है जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करें। सही है, जो कि डिसीजन मेकिंग मदद करती है। जबकि रूल्स क्या है, रूल्स एक ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जो सबको फॉलो करने हैं, वो किस लिए होते हैं, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए होते हैं। सही है, समझ में आया पॉलिसी रूल्स और प्रोसीजर के बीच का दरमियान का फर्क। उसके बाद ये गैंट चार्ट्स और ये परफॉर्मेंस एवेल्युएटेड चार्ट, ये दो मैं आपको कल कराऊंगा। आखिरी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सर मैंने प्लानिंग कर ली, सब कर लिया, बहुत अच्छा हो गया था सब कुछ, मगर आखिर में आके प्लान हो गया फेल, तो सर अब मैं क्या करूं, सर प्लान मेरा फेल हो गया। वो कहता है कि इफ मैनेजर नो व्हाई प्लान फेल, दे कैन टेक स्टेप्स टू एलिमिनेट द फैक्टर्स कॉज फेलियर एंड थेरेबाय इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्लान विल बी सक्सेसफुल। सही है, वो कह रहा है कि मैनेजर को पता होगा फेल क्यों हुई, तो मैनेजर उसको नेक्स्ट टाइम के लिए कंसिडर करेगा कि मेरे जिस रीजन से मेरा प्लान फेल हुआ है मैं उसको दोबारा रिपीट ना करूं। वो कहता है कि प्लान फेल व्हेन कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द टोटल मैनेजमेंट सिस्टम। सर कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट लेवल पर होती है, यानी कि कॉर्पोरेट प्लानिंग से मुराद ये है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं बिजनेस करूँ किस चीज का। ठीक है, तो वो जो सवाल है ना, बिजनेस करूँ किस चीज का, वो सवाल आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए टोटल मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी कि सबको पता होना चाहिए, पूरी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि मेरा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं करता क्या हूँ, बिजनेस करती क्या है, कंपनी करती क्या है। ठीक है ना, दूसरा वगैरह है, तब फेल होता है प्लान व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। जब प्लानिंग प्रोसेस की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, भैया प्लान तब भी फेल होता है। सबको पता होना चाहिए कि प्लान प्रोसेस क्या है, अच्छे से पता होना चाहिए। Management at different levels in the organization has not properly engaged in or contributed to. By management जो तमाम levels पर है, सबका एकजुट होना जरूरी है, सबको properly engage होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि lower level management तो involved है, मगर middle management involved नहीं हो रही, top management तो involved है, लेकिन lower management involved। तो हर level management को involved होना लाजमी है, engage होना, properly engage होना लाजमी है। वरना प्लान फेल हो जाएगा। फिर वो कहता है प्लान तब भी फेल होता है वेयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्लानिंग इज रॉन्गली वेस्टेड सोली इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट। जब प्लानिंग किसी गलत बंदे के ऊपर छोड़ दी जाए, भाई आप प्लानिंग करो, अच्छा वो प्लानिंग करने वाला कौन था, वो प्लानिंग करने वाला लोअर लेवल मैनेजमेंट का 2 दिन अपॉइंटेड बंदा था। अभी 2 दिन हुए उसको अपॉइंट हुए और उसको हमने बोल दिया जरा प्लानिंग कर दो यार, पूरी कंपनी
वो कह रहे कि भाई प्लानिंग जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग जिसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंदा सही होना चाहिए. उसके अलावा बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट मैन डेवलप विल बी रियलाइज विद लिटिल एफर्ट्स. भाई लिटिल एफर्ट्स से तो जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो प्लान कैसे हो जाएगा. कहते हैं लिटिल एफर्ट्स के साथ प्लान नहीं होगा फेल हो जाएगा. उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और सब पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो प्लानिंग का देखते जा रहे हैं. In starting formal planning, too much is attempted at once. Management fails to operate by planning. Manager fails to grasp the overall planning process. Financial projections are confused with planning. Inadequate inputs are used in planning. Sir, ये वो reasons थे 10 जिसकी वजह से plan fail होते हैं. अब हम कल पढ़ेंगे. Next class में हम देखेंगे कि controlling क्या चीज़ है भैया. Controlling किसे कहते हैं? उसके बाद हम पढ़ेंगे staffing किसे कहते हैं और ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं. कंट्रोलिंग स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये सब क्या थे? ये सब आपके फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट थे जिसमें हमने शुरू में पढ़ा था प्लानिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ लिया है, प्लानिंग हमने पढ़ लिया है, कंट्रोलिंग स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग रह चुका है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्लास में हमने यही कवर करने, उसके बाद हमारे पास बाकी का सिलेबस कवर करना रह जाएगा. सही है. चलो जी. देखो बेटा ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको दूंगा.